What's up and welcome back to my channel. So, being a fashion content creator, मैं बहुत different styles पहन के, you know, I recommend it to you guys कि तुम ये पहन लो, वो पहन लो. लेकिन एक constant question हमेशा मेरी videos के नीचे comment section में आया हुआ होता है कि Sonia, what bra are you wearing? What should we wear? Or you know the kind of hacks people do? Because अब बात bra तक नहीं रह गई है, बात आगे पहुंच गई है. जैसे कि तुम Instagram पे reels वगैरह पे भी देखते रहते होंगे, तो आज हम live test करने वाले हैं उन bra hacks का and देखने वाले कि वो real में work करेंगे भी या नहीं. And I got a lot of them, so let's try them. सबसे पहले हमारे पास reusable invisible push-up जो कि rabbit tape भी इसे बोला जाता है क्योंकि इसके literally कान है. These are nipple covers but ये थोड़ा सा तुम्हें push-up भी देती है. मतलब ऐसा वो लोग कह रहे हैं, हम तो अभी try करके देखेंगे. So this is how it looks like. ये like skin color में मैंने ही मंगवाए हैं and पीछे ये है तो ये obviously remove हो जाता है. And then we have स्टिकी जेल. ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है एंड ऑब्वियसली ये रीयूजेबल तो है. ओके, और सो ये 335 रुपीज़ के है तो आई होप इट्स वर्थ इट. ओके, सो फॉर अ मिनट हम ये सोचते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं और हम ये प्रिटी सा टॉप पहनना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं पहन सकते क्योंकि पीछे से मेरी ब्रा दिख रही है. मैंने वैसे आगे के लिए तो ऐसे स्ट्रैपलेस ब्रा पहनी है जो आगे से ठीक लग रहा है, बट पीछे दिस सिचुएशन इज हैपनिंग तो ये काम आएंगे. लेट्स सी. ओके, ये फेवरेट पार्ट होता है, पीलिंग. ऐसे सेटिस्फाइंग. वाओ, इसको संभाल के रखेंगे ताकि हम इस पर चिपका के यू नो बाद में सेव कर लें एंड रीयूज कर लें. तो मेरा दोस्त बन गया, ये जाना नहीं चाहता. सो आई एम वेयरिंग ऑन दिस साइड जस्ट टू सी द डिफरेंस. लेकिन ये बाहर आ रहे हैं, लाइक जो इसके बनी ईयर्स हैं वो बाहर आ रहे हैं. वैसे उस बॉक्स पे और वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि तुम इसे कट कर सकते हो, बट अगर एक बार कट हो गए देन यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. तुम्हें ऐसे ही इसको यूज़ करना पड़ेगा. हाँ, ये चीज़ यूज़ हो जाएगी बट ये यू वोंट बी एबल टू यूज़. सो दिस इज़ डन. ये दोनों साइड लग गए हैं, इसे हम थोड़ा सा तो ठीक कर ही सकते हैं. ये थोड़ा सा मुझे वियर्ड लग रहा है क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बट लिटरली ऐसा लग रहा है कि लाइक किसी ने होल्ड किया हुआ है एंड पुश तो मिल रहा है मेरे को. लाइक आई कैन फील इट. एंड ये पीछे से ऐसा लग रहा है क्लीन इफेक्ट प्रॉपर. तुम कोई भी ऐसे बैकलेस टॉप पहन सकते हो एंड या मूवमेंट में भी मेरे को सही लग रहा है, मैं चल पा रही हूँ. इट फील्स नाइस, लाइक इट्स प्रिटी डिसेंट. एंड इसका जो स्टिकी पार्ट है, जो ग्लू है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ऐसा नहीं है कि लाइक यू नो गिर गया या फिर आधी जगह से चिपका नहीं है. नहीं, इट फील्स गुड इन अ वियर्ड वे बट इट वर्क्स नाइस. आई एम सरप्राइज. अगेन लेट्स अज्यूम कि हम फिर से कहीं घूमने जा रहे हैं. मेरा ये वाला टॉप या फिर यू नो ऐसा कुछ सिमिलर ड्रेस भी हो सकता है वो पहनने का मन है. आगे से ये सही लग रहा है विद द परफेक्ट स्ट्रैपलेस ब्रा, लेकिन पीछे से वी हैव ए सिचुएशन. यार ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है. तो उसके लिए हमारे पास ये एक सेकंड, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ. या इट्स लाइक दिस. इट्स अ नॉन वायर वाली स्टिक ऑन पैडेड ब्रा एंड इट्स सो सॉफ्ट. ये ब्लैक कलर में मैंने मंगवाया है. लाइक और भी लाइक स्किन कलर वाले ऑप्शंस होते हैं, तुम वो भी ट्राई कर सकते हो. बट लेट्स ट्राई दिस अगेन. इस पर ये है एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जो ये कवर है इसको तुम संभाल के रखो ताकि तुम यू नो रीयूज़ कर पाओ इस ब्रा को दोबारा. एंड ये मेरे को अराउंड 250-260 का पड़ा है. ओ, मेरे को लग रहा है पूरा एक साथ आएगा. ओके, वियर्डेस्ट अनबॉक्सिंग एवर. नॉट एट ऑल सेटिस्फाइंग. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शांति, वी डोंट नीड ब्रास एक्चुअली. आई नो इसका स्टिक ऑन इज सो गुड. मेरे को लाइक प्राइस वाइज लग रहा था कि पता नहीं कैसा ही स्टिक ऑन आएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा ही आराम से स्टिक हो गया. कोई स्ट्रैप नहीं है, कोई वायर नहीं है. एंड लेट्स सी, स्मूथलेस इफेक्ट तो आ रहा है. ये क्या लटक रहा है? अरे यार, ये तो प्रॉब्लम हो गई. ये हल्का सा इन्होंने एडजस्ट के लिए दे रखा है तो या तो इसे अंदर करना पड़ेगा. बट देयर इज नथिंग टू होल्ड, बट वो हो गया. ओके, ओवरऑल सही इफेक्ट आ रहा है. अगेन थोड़ा सा पुशअप वाला फील मेरे को फील हो रहा है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द साइड. इट्स सो क्लीन, नो विजिबल लाइंस. वाओ, एंड इट फील्स सो लाइट. लाइक जो मैंने ये स्ट्रैपलेस ब्रा पहनी हुई थी, इतना हैवी फील हो रहा था. एंड दिस इज सो लाइट, सो नाइस. ऐसा लग रहा है मेरे को कि स्वेटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी समर्स वगैरह में. इट्स सो परफेक्ट, आई रियली लाइक इट यार. एंड प्राइस वाइज मेरे को सही लगा. मेरा बहुत काम आने वाली है ये वाली चीज़ें, टॉप्स में, ड्रेसेस में. मैं कहता फ्रीली घूमने वाली हूँ. तो जो ये व्हाइट वाले टॉप्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगते हैं मेरे को, क्योंकि अंदर चाहे तुम कुछ भी पहन लो सीमलेस इफेक्ट दिखाने के लिए, बट इवेंचुअली वो थोड़ा सा सी थ्रू हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट दिस सिचुएशन. इवन तो मेरे लाइक स्ट्रैप्स वगैरह प्रॉपरली सिक्योर्ड है, बट थोड़ा सा सी थ्रू, अगर सी थ्रू नहीं भी है तो शेप वगैरह आई जाती है. तो उसके लिए भी इंटरनेट हैज़ यू नो ऑप्शंस फॉर यू. वी हैव सिलिकॉन ब्रा, लाइक लिटरली सिलिकॉन की ब्रा, बट जो ये पैकेजिंग आई है ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में आई है.
like this. Pichka hua. This is how the bra looks like, bhai saab. Ye again stick-on hai, reusable hai, lekin iske saath straps bhi hain jo ki tum hata bhi sakte ho. But we need support, so let's try. Ye wala to bahut hi aaram se utar raha hai, ek second. इसका स्टिकी मेरे को कम लग रहा है. ये 400 rupees की मेरे को पड़ी है, बट ठीक है, ट्राई करके ही पता चलेगा. ये भी हटा देते हैं. ओके, दिस इज वियर्ड. ये भी थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही सी थ्रू है, एंड शेप भी बहुत बुरी आ रही है. एंड ये स्ट्रैप मेरे को बिल्कुल ही लाइक ये इस टॉप पे नहीं जा रहा है, बट आई गेस कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रा इन इटसेल्फ तो मुझे सही लग रही है, लाइक अच्छा फिट वगैरह, और मेरे को एडहेसिव भी इसका सही लग रहा है. ऑल्सो मेरे को जस्ट अभी रियलाइज हुआ जो मैं कह रही थी ना कि इसका स्टिकी कम है. इसका स्टिकी कम इसलिए है क्योंकि इसमें सपोर्ट है, तो इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं चाहिए, बट अच्छे से स्टिक हो गया. बट आई गेस वी नीड टू ट्राई सम अदर टॉप और ड्रेस, क्योंकि इस पर तो नॉट वर्किंग. इतनी ज़्यादा सुंदर ड्रेस, इतनी मस्त परफेक्ट फिटिंग आ रही है, लेकिन समटाइम्स आई गेट अनकम्फर्टेबल. ब्रा की वजह से नहीं, बिकॉज इसकी वजह से. लाइक जब मैं थोड़ा नीचे झुकती हूँ, इट जस्ट कीप्स फॉलिंग, जो ये गैदरिंग है, एंड थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लम हो जाती है. तो उसके लिए हमारे पास है फैशन टेप. ये तो हम सबने देखी ही हुई है. ये मेरे को 127 rupees की पड़ी है, एंड इसमें 36 टेप्स हैं. तो अभी मैंने ये दो टेप्स निकाल लिए हैं ट्राई करने के लिए, एंड काफ़ी इजी भी दे रखा है इन्होंने. जैसे ये एक साइड से उतर के, सो सेटिस्फाइंग अगेन. एंड यू जस्ट स्टिक इट टू योर बॉडी फर्स्ट. तो आई एम थिंकिंग कि यहाँ चिपका देंगे इसे लाइक दिस. ओके, एक हम यहाँ पे भी पेस्ट कर लेंगे. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आई होप बस ये कपड़े पे स्टिक हो जाए, क्योंकि कपड़ों पे टेप यूजुअली स्टिक होती नहीं है. वी आर रेडी, एंड नाउ यहाँ पे इन्होंने ऐसे बहुत ही इजी दे रखा. इट्स ट्रांसपेरेंट, सी. काफ़ी इजी है इन्हें ना रिमूव करना, लिटरली वो दिख भी नहीं रही है, दे आर जस्ट शाइनिंग. एंड नाउ यू जस्ट स्टिक योर फैब्रिक नॉर्मली, एंड सामने से सेम इफेक्ट आ रहा है. बड़ा मस्त लग रहा है, दिस इज सो नाइस. एंड अब मैं आराम से घूम फिर सकती हूँ. ये फैब्रिक पे बहुत अच्छे से यू नो स्टिक हो गया. ऑब्वियसली अगर मैं इसे खींच रही हूँ तो वो निकल जाएगा, बट नाइस होल्ड. जो ये वाली फैशन टेप्स है ना, सिर्फ ड्रेसेस टॉप्स में नहीं, जो इस शर्ट्स के बीच में गैप नहीं आ जाता बटन्स के बीच में, तो तुम वहाँ पे भी इसे स्टिक कर सकते हो एंड प्रॉब्लम से बच सकते हो. ये काफ़ी सही मेरे को जुगाड़ लगा. ये रियूजेबल नहीं है आई गेस, बट मैं ट्राई तो करूँगी. आई एम गोना मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. वाह सोनिया, सच अ प्रिटी टॉप. एक सेकेंड रुक जाओ, ये देख लो सिचुएशन साइड से पीछे से. बस ये आगे से ही मुझे हल्का फुल्का सपोर्ट दे पा रही है. स्ट्रैपलेस ब्रा तो इसके आराम से देनी है भाई, क्या होता है. तो इसके लिए हमारे पास ब्रेस्ट टेप, बूप टेप. ये 5 meter का रोल है, 500 rupees का पड़ा है मेरे को, एंड ये खुल चुका है. ये रहा हमारा रोल. इसके अंदर ऐसे ये टेप दे रखी है, तुम इसे रिमूव करोगे एंड टेप यू कैन स्टिक एंड कट कर सकते हो अकॉर्डिंगली. एंड तुम बहुत तरीके के लाइक शेप्स भी बना सकते हो इसे. लाइक तुम इसे अपलिफ्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लाइक यू नो पुशअप वाला इफेक्ट देने के लिए, या फिर एज अ निपल कवर भी यूज़ कर सकते हो. तो अभी तो हम वही करेंगे. अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भी टॉप पहन सकती हूँ. दिस थिंग इज़ मैजिकल, लिटरली. मैंने लाइक अब तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है टेप, एवरी वन इज़ वेयरिंग इट, ट्राइंग इट. मैंने खुद पहली बार ट्राई किया है आज, एंड आई जस्ट लव द इफेक्ट. येस आई एम वेयरिंग द टेप. ये बहुत ही ज़्यादा पतली है. ये इतना ज़्यादा पतला फैब्रिक है टॉप का खुद से ही, एंड लाइक नथिंग इज़ विजिबल. इवन तो लाइन्स भी नहीं दिख रही है. मेरे को लग रहा था कि एटलीस्ट लाइन्स तो दिखेंगी ही. जस्ट सी ये कितना पतला और हल्का सा फैब्रिक है. आई लव इट, जस्ट लव द इफेक्ट, एंड नो विजिबल हार्श लाइन्स व्हाटसोएवर. ओह माय गॉड, फाइनली आई कैन वेयर दिस टॉप. फाइनली, इतने सालों से रखा हुआ मेरे वार्डरोब में. जस्ट लुक एट इट मैन, नथिंग. हम इन्हें वेस्ट नहीं करेंगे, हम दोबारा इसको इस पर स्टिक कर देंगे एंड इसे रियूजेबल बनाएंगे. येस, दैट्स हाउ यू सेव मनी. कितना गंदा चिपकाया मैंने इस पर. हेल्प प्लीज, दिस इज समथिंग वियर्ड. ये जो इम्प्लांट्स जैसे दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में सिलिकॉन पैड है, जो कि तुम्हारी नॉर्मल नॉन वायर्ड नॉन पैडेड एंड नॉन वायर्ड नॉन पुशअप ब्रा को पुशअप बना देता है, लाइक दिस वन. ये अभी नॉर्मल मेरी लाइक सिंपल ब्रा है, बट आई डोंट थिंक सो यू नीड इट, बट आई हैव टू ट्राई इट. ओके, आई जेन्युइनली डोंट थिंक इट्स हेल्पफुल इन एनी काइंड ऑफ वे, क्योंकि ये हल्का सा बस पुशअप वाला इफेक्ट दे रहा है, जो कि तुम नॉर्मल पुशअप ब्रा पहन के भी कर सकते हो. उसकी भी आई डोंट नो, इट्स सो प्रॉब्लमेटिक. तो बेसिकली अभी तक हम जितने भी यू नो हैक्स वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो भी हम आउटफिट पहन रहे हैं वो हम ईजिली कम्फर्टेबली पहन पाए, हमारा थोड़ा सा मॉल फंक्शन वगैरह ना हो जाए. बट दिस थिंग आई डोंट थिंक सो, इट्स
एट ऑल यूजेबल एंड नीडेड इन आवर जनरल लाइफ या फिर वैसे भी, तो या इसकी जरूरत नहीं है बस. आई नो वी ऑल लव दिस ड्रेस, लेकिन इसमें सिर्फ ये ही प्रॉब्लम आती है कि लाइक क्या ब्रा पहने. तो बेसिकली लाइक अब हमने इतने ज़्यादा हैक्स ट्राई कर लिए, तो मेरे को लग रहा है कि हम इसके नीचे बूब टेप या फिर फैशन टेप भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो चीज़ मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये निपल पेस्टीज, लेट्स सी कि वो इसके नीचे वर्क करेंगे या नहीं. क्योंकि या लेट्स सी, ये मेरा फेवरेट हैक है. इतने इजीली लग जाते हैं, लिटरली नो विजिबल हार्श लाइंस, नथिंग. हाँ, इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट यू कैन वेयर दीज काइंड ऑफ यू नो टॉप्स एंड ड्रेसेस या ऐसे वाला नेक लाइन. परफेक्ट, लुक एट इट, विंगी, आई एम बीच रेडी. यस, नेक्स्ट आई गेस एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये है ब्रा एक्सटेंडर. लिटरली ये ब्रा का साइज बढ़ा देता है, लाइक फ्रॉम दिस एरिया, अंडर बस्ट एरिया, एंड इसको एक्सटेंड कर देता है. तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस ब्रा, इस पर ट्राई करके देखते हैं. तो पीछे जो ये हुक्स है ना, इसमें ये अटैच करने हैं, बट आई जस्ट रियलाइज ये 3 हुक्स हैं और ये 2 हुक्स है. ये वाली ब्रा मेरे को मिली है. आई नो कलर्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट ट्राई करके देख लेते कि ये है भी सही या नहीं. ये रहे 3 हुक्स एंड इसमें बस हमें ऐसे अटैच करना है लाइक दिस एंड दूसरे एंड से जस्ट क्लोजर. आई नो इफ आई वेयर दिस मुझे तो ये बहुत ही लूज आएगी, क्योंकि लाइक दिस ब्रा इज माई परफेक्ट साइज, मेरे को एक्सटेंडर की जरूरत नहीं है. बट इफ यू नीड इट, दिस थिंग वर्क्स, ये आराम से अटैच हो गया एंड हमारा ये जो बीच में गैप है इससे मेरी ब्रा का यू नो एक्सटेंड हो गया है. तो ऑब्वियसली हमें इंटरनेट पे देख के लेना पड़ेगा, यू नो हमें 2 हुक्स चाहिए, 1 हुक चाहिए या 3 हुक वाला चाहिए. आई थिंक ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा नीडेड थी मेरे खुद के लिए भी यार, क्योंकि लिटरली आज मैंने खुद पर्सनली लाइव टेस्टिंग में न्यू चीजें ट्राई करी है एंड काफी चीजें वर्क करी है. एक दो चीजें थोड़ी इधर उधर थी, बट एवरीथिंग इज मैनेजेबल. यू नो आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव हो एंड तुम्हें भी कहीं ना कहीं हेल्प करे इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर. और तुम भी मुझे नई चीजें बताओ कि जो मुझे ट्राई करनी चाहिए, जो कि तुम्हें यू नो ज्यादा श्योरिटी ना हो कि वो वर्क करेंगी भी या नहीं. आई एम हियर फॉर यू गाइज एंड आई होप यू हैड फन एंड इट वॉज इन्फॉर्मेटिव. लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय. ऐसा कौन बाय.